नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। आज हमारे साथ हैं उत्तर भारत के प्रसिद्ध ज्योतिष आर डी शांडिल्य। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको ज्योतिष विद्या किससे प्रदान हुई? मैंने अपने ज्योतिषी अपने गुरु नरेंद्र श्री माली जी से सीखी है, जो जोधपुर में रहते हैं, और मैं 40 साल से पंचकूला में लगातार ज्योतिष कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने करियर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, तो उनको क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए? देखिए, जब हम किसी भी आदमी की कुंडली को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो हम छठे, आठवें और बारहवें घर को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि इस आदमी को कौन सा नग लगेगा, उसी के हिसाब से हम रत्न धारण कराते हैं और उसको उसका लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि आज का जो यूथ है, उसको बहुत ज़्यादा क्रेज है बाहर जाने का कि हमें फॉरेन में सेटल होना है, जिसको उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर किसी भी आदमी का, किसी जातक का अगर चंद्रमा खराब है, तो वो बाहर नहीं जा सकता। अगर चंद्रमा छठे, आठवें या बारहवें घर में है, तो वो आदमी कभी भी विदेश नहीं जा सकता। अगर चंद्रमा किसी भी जातक का लग्न में बैठा हुआ हो या चौथे घर में बैठा हुआ है, तो वो हर हाल में बाहर जा सकता है और बाहर सेटल भी हो सकता है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा लव मैरिजेस करने लगे हैं, लेकिन उनको डर होता है कि अगर लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या मतलब कर सकते हैं कि वो लोग मैरिज कर सके? अगर ये शुक्र से संबंधित क्वेश्चन है, अगर किसी भी जातक का या जातिका का अगर शुक्र ठीक है, तो वो लव मैरिज कर सकता है। और अगर बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा है, तो उसको विवाह सुख में, संतान सुख में किसी किस्म की कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसा केस जो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, कि मतलब जो जिसने आपका दिल दहला दिया हो कि हाय, ऐसा भी कुछ हो सकता है जिससे कोई प्रॉब्लम से वो पर्सन ओवरकम किया है, कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में? हमारे बिल्कुल सेक्टर 11 में एक जोश डॉक्टर हैं, जिनका बेटा, सभी जोशियों ने बोल दिया कि इनका बेटा 10वीं पास नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उस आदमी को, उस जातक को, वो आज वो MBBS डॉक्टर है और पंचकूला में प्रैक्टिस कर रहा है। और एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे कि ये जो रुद्राक्ष होते हैं, कुछ जैसे कि मोती होते हैं, मूंगा और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप बताएंगे कि मतलब ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करे जाते हैं? देखिए, जिन जातकों का चंद्रमा खराब है, उनको, या शनि खराब है, छठे, आठवें, बारहवें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे आदमियों को रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उनको कोई भी रत्न धारण नहीं कराया जा सकता। हम दुआ करते हैं कि आपकी ज्योतिषी से सबका भला हो और आपका कारोबार बहुत अच्छा चले। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।